तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड आत्मा ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान, आत्मा शांति और खुशी भारी वातावरण से प्रभावित नहीं होती है। आत्मिक चेतना का अर्थ है मौन रूप से शांत हो जाना। मन आत्मा चेतना और ब्रह्म जो चित्त को लगे वही तो उचित है। अध्यात्म चेतन तत्व को पकड़ता है। हिसाब किताब धन दौलत की कमाई का नहीं कर्मों का ही होता है, यह हमारे लिए आंतरिक प्रकृति स्वरूप है। नमस्कार, मैं तुलसी बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमस्कार करता हूँ। आज फिर एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमें रचने वाले प्रभु, आप ही इस जगत के आदि मध्य और अंत हो, वैसे ही जैसे कुंभ का आदि मध्य और अंत केवल मिट्टी है। का नहीं बल्कि अंतर ध्यान खुद का ही लगाएं। विचार भाव और शरीर क्रियाओं का प्रति फल अपना होश अवश्य रखें। निकटता से निकटता एक रूपांतरण बिंदु अंतरात्मा भाव जब निकटता लाता है तब ही उसे भक्त के नाम से जाना जाता रहा है। भक्ति भाव जब मन में भरता है, सुख का अनुभव करता है, तो सबसे पहले आंखों में ही दिव्य शीतल आंसुओं की गंगा बहती है। यही तो भावों की भक्ति है। भक्ति अभाव में हमेशा हर बार दुख का अभाव भरकर आता है, तो आंखों में गर्म आंसुओं की भरी नदी बहती नजर आती ही है। मशाल जब जलती है तब ही प्रकाश फैलता है। गुरु मशाल है तो शिष्य प्रकाशमय होता है। गुरु शिष्य परंपरा का यही तो आधार है और यही आध्यात्मिक परंपरा की सनातन दिव्य यात्रा है। गुरु ईश्वर का दूत ही तो है जो माया रूपी संसार का भ्रम दूर करते हैं। वैकुंठ में भक्ति कभी नहीं होती है, वहाँ आत्म आनंद होता है लेकिन ब्रह्मानंद नहीं। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय है उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। पापों की क्षमा शिव और वरुण देव से मांगी जाती है क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध है और एक संकल्प है। दीक्षों के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है और द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। अगर शरीर में ग्रहों की स्थिति का विचार भी करें तो सिर में सूर्य का स्थान है, मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। हम सभी चिंतन और मनन इसी अंग से करते हैं। हम सभी जीवन में जो भी कर रहे हैं और भविष्य में जो कर सकते हैं, व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य की संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहार या तीर्थ सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही निर्मित हुए हैं। मोक्ष तब मिलेगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहकर प्रसन्न चित्त और खुशहाल जीवन जिएगा। व्रत से शरीर और मन स्वस्थ होता है, त्योहार से मन प्रसन्न होता है और तीर्थ से मन और मस्तिष्क में वैराग्य भाव और अध्यात्म भाव का जन्म होता है। जैसे सूर्य और दीपक में जो अंतर है
फर्क है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा में फर्क है। वेद पुराणों के जीवन सार आख्यानों में भक्त, भक्ति और भगवान तीनों के जोड़ से एकाकार होकर बंधन पीढ़ियों से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष ही प्राप्त होता है और होना बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार उल्लेखित है कि विरसो ही भगवान धर्मा। वेद ने धर्म को चार पैरों वाला प्राणी कहा है कि उसके चार पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस चार पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके ही अधीन हैं। संसार में तीन प्रकार के प्राणी जन पुरुष रहते विशेष रूप से आए हैं। गुलाब के फूल जैसा, आम के फल जैसा और कटहल की तरह, ये तीन प्राणी इन फल और फूलों की तरह होते हैं, जिनमें केवल फूल ही फूल देते हैं। जिस पेड़ में केवल फूल ही फूल देते हैं या आते हैं, दूसरा फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरा फल कटहल केवल फल ही फल देते हैं। इसी प्रकार से इन फूल और फलों की तरह एक कहते हैं तो डरते कभी नहीं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, और जो तीसरा होता है वो कहते हैं लेकिन वाणी से नहीं कहते। इसीलिए संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी हमेशा दूसरों का ही कल्याण, दूसरों का ही हित चाहते हैं। आशा करता हूँ कि समय समय पर मेरे द्वारा बोले गए आध्यात्मिक चर्चाओं को आपने खूब पसंद किया होगा। आपसे आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और वीडियो बनाने का हौसला देते रहें। धन्यवाद आप सभी देखने वाले प्रियजनों का, आपका।